नमस्ते किसान भाइयों, आज मैं बताने जा रही हूँ इमामेक्टिन बेंजोइट क्यों है खास और इसका उपयोग कर हम कौन कौन सी इल्लियों से या फिर हम किस किस से कंट्रोल पा सकते हैं। इमामेक्टिन एंजोइट बहुत सारी ब्रांड में अवेलेबल है इसका कंटेंट डालकर, तो ये आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में लिए जा रहा है। ये नॉन सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है और ये काफ़ी इफेक्टिव है आज के टाइम में। सिर्फ हमें ध्यान रखना है टेम्परेचर का, टेम्परेचर इंसेक्टिसाइड है जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है और ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में हमें बनाकर इसका स्प्रे करना है। इमामेक्टिन बेंजोइट जिसमें 5% एसजी होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, और ये कौन कौन सी फसलों में इसका काम हम ले सकते हैं, तो मेन रूप से फसलें हैं चना, कपास, सोयाबीन, मूंग, उड़द, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, फूल गोभी, मटर, मशरूम, ये सब फसलें हैं उनमें हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ में ही मक्का का फॉल आर्मवर्म भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके बाद में तना छेदक, फल छेदक, फल इल्ली, गुलाबी सुंडी, तंबाकू की सुंडी और इसके अलावा है कैटरपिलर, चितकबरी इल्ली और माइट्स और थ्रिप्स। माइट्स और थ्रिप्स भी इससे कंट्रोल होते हैं। और अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से बनाएंगे। 15 लीटर पानी में 8 ग्राम एक टंकी में इसका वेटेज होगा और एकड़ में जाएंगे तो 80 से 90 ग्राम का स्प्रे हम करेंगे। और उसके बाद में बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग प्राइस हैं और इसके रिज़ल्ट हमें 18 से 20 दिन के अंदर तक रहेंगे और उसके बाद में हमें दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान रखना है इसमें टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो ये दवाई इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो साथ में हम ये दवाइयां हैं मिलाएंगे, प्रोफेनोफोस, साइपरमेथ्रिन, लैम्डा साइलोथ्रिन, इनको मिलाकर स्प्रे करेंगे तो टेम्परेचर में भी ये दवाई काम करेगी। और साथ में ही हम NPK का मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है खरपतवार नाशी कोई होगा तो उसको साथ में मिलाकर हम स्प्रे नहीं कर सकते, खरपतवार नाशी साथ में नहीं मिला सकते, उर्वरक हम मिला सकते हैं। और ये दवाई काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये मक्का की फसल का कीड़ा कंट्रोल भी करती है और हमने अब की बार इसका कंट्रोल करवाया है इस दवाई से, तो काफ़ी कंट्रोल हुआ भी है। सिर्फ टेम्परेचर का ध्यान रखना है और ये रबी सीजन मतलब सर्दी वाली फसलों में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।